ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ निश्चित तौर पर नॉर्थ इंडिया का उत्तर भारत का सब तो साफ सुथरा शहर है। इस शहर का नाम आंदियां ही चौड़ियां सड़क हरियाली के दृश्य अखां दे सामने आ जाते हैं। शायद यही एक कारण है कि चंडीगढ़ की सरहद नाल लगते तीनों सूबे पंजाब हरियाणा और हिमाचल हुण इस ते अपना दावा ठोक रहे हैं। दस्सणयोग है कि पंजाब के 22 पिंडां दे जिस खेत्र चो शहर चंडीगढ़ वसाया गया है, शहर चंडीगढ़ बनया है, उस चंडीगढ़ किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है, किसी भी सूबे का इकलौता हिस्सा नहीं है। हालांकि यह यकीनी तौर पर पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी सांझी कैपिटल जरूर है। दूजे पासे हुण हिमाचल ने भी चंडीगढ़ से अपना दावा जताना शुरू कर दिया। दस दें कि जो 1966 पंजाब और हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन होया सीगा, जो लैंग्वेज के आधार पर दोवें राज्य वक्रे वक्रे हुए सीगे, तो इन दोवां राज्यों को अपनी राजधानी नहीं सी, राजधानी की मंग करते सन। अजिहे च चंडीगढ़ शहर ने पंजाब और हरियाणा दोवां की राजधानी होने का विलक्षण माण हासिल किया, एक कंबाइंड कैपिटल बनी। दिलचस्प गल यह है कि हुण 27 दिसंबर 2011 नूं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर पंजाब और हरियाणा ही नहीं सगो हिमाचल प्रदेश भी, जी हाँ, पहाड़ी जो राज्य है हिमाचल भी, वह चंडीगढ़ से अपना हिस्सा पा रहे, चंडीगढ़ को अपनी राजधानी मान रहे। हुक्मों में यह कहा गया है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के आधार पर हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ 7.19% हिस्सेदारी का हकदार बनता है। उत्थे ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी यही गल दोहराई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगवाई वाली हिमाचल सूबा सरकार ने भी अंतरराज्यी समझौतों और पंजाब पुनर्गठन एक्ट तहत चंडीगढ़ का जिहड़ा मसला है, जिहड़ा मामला है कि हिमाचल की दावेदारी की जांच करने लई एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। हुण देखना यह है कि इस गल का इस मामले का नतीजा की निकलता है, जिथे पंजाब और हरियाणा दोवें जो राज ने चंडीगढ़ को अपनी राजधानी मनते हैं, हिमाचल वालों किया जा रहा दावा हरियाणे की पंजाब की जिहड़ी भी जियोलॉजिकल लोकेशन है, जिहड़ी भी ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर की असर पाता है।